हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है इन टूडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द सॉल्युबिलिटी। सो सॉल्युबिलिटी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में एंड वी विल कवर द टॉपिक्स लाइक सॉल्यूशन सॉल्वेंट सॉल्यूट एंड द मेकेनिज्म बिहाइंड द सोल्यबिलिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इन ए प्रॉपर सॉलवेंट तो उसी के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि जो अलग अलग हमारे पास सॉलवेंट्स uh, होते हैं अलग अलग सॉल्यूट्स होते हैं तो वो किस तरह से सॉल्यूशन बनाते हैं फिर हमने सुना होता है कि सैचूरेटेड सॉल्यूशन सुपर सेचूरेटेड सॉल्यूशन अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन उसके बारे में भी स्टडी करेंगे एंड ऑल्सो द मेकेनिज्म बिहाइंड द सोलिबलिटी के कैसे किसी सॉल्वेंट के अंदर कोई सब्सटेंस जो है वो सॉल्युबल होता है तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर में तो सोलिबिलिटी मतलब कि इज ए कैपेसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस टू सॉल्युबलाइज और टू डिजोल्व सुटेबल सूटेबल तो सबसे ये स्टार्टिंग में हम जो बता रहे आपको वो है basic. कि बेसिक डेफिनेशन जो का है सॉलिबिलिटी सॉलिबिलिटी इज ए कैपेसिटी पहले तो क्या है एक टाइप की ये कैपेसिटी है कोई भी सब्सटेंस की टू सॉल्युबलाइज और टू डिजोल्व इन ए सूटेबल कि ये जो है आपका सॉल्वेंट है पूरा कि यहाँ तक बीकर के अंदर सॉल्वेंट कि जो कोई लिक्विड है वो वहाँ तक भरा हुआ है एंड उसके अंदर ये है आपका सॉल्यूट तो ये सॉल्यूट की कैपेसिटी कि अलग अलग सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हम देख रहे हैं तो उसकी कैपेसिटी टू सॉल्यूबलाइज और डिजोल्व इन ए दिस सॉल्वेंट और ये सॉल्वेंट बेस है कि जब उसके लिए कैसा हो सूटेबल सॉल्वेंट हो तो उसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। तो इसी को हम डिटेल में स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में तो लेट्स स्टार्ट इन दिस लेक्चर सो बी अपडेटेड विथ फार्मर नॉलेज फॉर दैट आपको फार्मारॉक्स की मोबाइल ऐप पर से मिल जाएगा तो डाउनलोड दॉक्स एंड्रॉइड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले एज वेल एज एपल आई फोन एप ऑन एप स्टोर तो ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर एज वेल एज एप स्टोर पर से मिल जाएंगे जो लिंक्स हमने दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इस तरह से स्टडी मटेरियल की जो जीप नाइपर डी आई एन फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए उसके रिलेटेड टेस्ट सीरीज एंड ऑल्सो वीडियो लेक्चर एंड स्टडी मटेरियल ऑप्शन ऑन ऐप तो अभी डाउनलोड करिए एप फार्मारॉक्स एंड्रॉइड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले एज वेल एज एपल आई फोन ऑन एप स्टोर सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सॉल्युबिलिटी तो अभी जो हमने स्टार्टिंग uh, में जैसे इंट्रोडक्शन किया ये टॉपिक का तो सॉल्युबिलिटी इज ए कैपेसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस टू सॉल्युबलाइज और टू डिजॉल्व इन ए सुटेबल सॉल्वेंट तो सबसे पहले अच्छे से डेफिनेशन को समझना जरूरी है कि सॉलिबलिटी तो उसको हम कहेंगे टू सोलिब्लाइज टू सॉलिबलाइज या फिर दूसरे वर्ड में कहा जाता है टू डिजॉल्व ये दो टर्म यहां पे खास इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन के अंदर और ये है एक साथ में इंपॉर्टेंट चीज वो है कैपेसिटी तीसरा वर्ड आपको खास याद रखना है वो है कैपेसिटी और कैपेसिटी एंड ऑल्सो द सूटेबल सॉल्वेंट ऑल्सो द यहाँ पे है कि सूटेबल सॉल्वेंट वो वर्ड आपको यहाँ पे खास याद रखना है कि सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर ही कैपेसिटी होगी किसी भी सब्सटेंस की टू सॉल्युबलाइज और टू डिजॉल्व तो ऐसा क्यों कि बिकॉज कि समझो कि आपके पास ये है सॉल्ट तो ये है सॉल्ट ये है वाटर तो वाटर जो है वो यहां पे क्या काम करेगा सूटेबल सॉल्वेंट का वाटर बनेगा हमारे लिए सूटेबल सॉल्वेंट एंड ये वाटर के अंदर सॉल्ट की कैपेसिटी सॉल्ट की कैपेसिटी की ये होगा हमारे लिए कोई सब्सटेंस तो ये जो सब्सटेंस सॉल्ट है उसकी कैपेसिटी या फिर एबिलिटी टू सॉलिबलाइज इन ए सॉल्वेंट और जो सुटेबल सॉल्वेंट हमने लिया है उसके लिए वाटर, बिकॉज सॉल्ट जो है वो वाटर के अंदर इजीली जो है वो डिजॉल्व हो जाता है एंड सॉलिबलाइज हो जाता है तो उसके कारण जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा कि बेसिकली जब आपके पास कोई इस तरह से सब्सटेंस है कि ये सब्सटेंस को आप कहते हैं सॉल्यूट और ये है सॉल्वेंट तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जब भी एक दूसरे के साथ मिक्सअप होते हैं तो वो तैयार करते हैं सॉल्यूशन और ये जो मिक्सचर बनता है वो कैसा होता है होमोजीनियस होमोजेनियस प्रॉपर मिक्सचर जो है वो तैयार होता है तो ये है डेफिनेशन अच्छे से कि सॉल्युबिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस टू सोल्युबलाइज और टू डिजोल्व इन ए सुटेबल सॉल्वेंट इट इज ए प्रॉपर्टी इट इज ए प्रॉपर्टी रिफरिंग टू द एबिलिटी फॉर ए गिवन सब्सटंस सॉल्यूट टू डिजोल्व इन ए सॉल्वेंट की जो मैंने बात कही आपको कि कैपेसिटी का हो या फिर उसकी एबिलिटी कि सुटेबल सॉल्वेंट के अंदर वो प्रॉपरली डिजोल्व हो जाए तो यह हम एग्जाम्पल लेते हैं एक और कि ये जो सॉल्ट है आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं कि सॉल्ट प्लस वाटर, तो वो जो है वो प्रॉपर उसके अंदर सॉल्यूबल हो जाएगा बट सॉल्ट में कॉमन रखता हूं बट सॉल्वेंट चेंज करता हूं बिकॉज यहाँ पे वर्ड है सूटेबल सॉल्वेंट तो सॉल्ट के लिए मैं समझो कि कोई लेता हूं दूसरा लिक्विड की बेंजीन तो ये दोनों है सॉल्वेंट। बट वाटर जो है वो कैसा है उसके लिए सूटेबल बिकॉज उसके अंदर वो है और बेंजिन रहेगा नॉट सूटेबल बिकॉज उसके अंदर वो रहेगा इनसॉल्युबल कि बेंजिन के अंदर आप जब सॉल्ट डालते हैं एन एस सी एल तो वो जो है वो डिजोल्व नहीं होगा बिकॉज बेंजिन जो है उसके लिए सूटेबल सॉल्वेंट नहीं है इट इज नॉट सूटेबल तो सब्सटेंस की तभी सॉल्युबल होगा कि जब उसके लिए जो सॉल्वेंट हो वो कैसा हो सूटेबल हो तो ही वो सब्सटेंस किसी सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होके आगे जाके उसका सैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड या फिर अन सॉल्यूशन तैयार करता है तो इट इज ए मेजर इन ए टर्म्स ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन ए सॉल्वेंट एट इक्विलिब्रियम कि कितना मैक्सिमम आप उसके अंदर डिजोल्व करवा सकते हैं कि ये जो वाटर लिया ये सॉल्ट है तो इसके अंदर कितना मैक्सिमम आप जो है वो सॉल्यूबलाइज करा सकते हैं और जब इक्विलिब्रियम एस्टाब्लिश हो जाता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में कि अब आप जब सॉल्ट ऐड कर रहे हैं तो वो डिजोल्व नहीं होता तो रिजल्टिंग द सॉल्यूशन इज कॉल ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर की वो टेम्परेचर के लिए वो सॉल्यूशन जो है वो कहा जाएगा सेचूरेटेड सॉल्यूशन तो बना बट कैसा है तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के वो प्रॉपर सेचूरेटेड हो चुका है संतृप्त हो चुका है कि अब उसके पास अब तो इतनी भी एबिलिटी नहीं है कि वो एक्सेसिव सॉल्यूट को उसके अंदर डिजॉल्व करवा सके मतलब कि एक समय आने के बाद ऐसे कैपेसिटी आ जाती है कि आप भले इसके अंदर सोल्ट ऐड कर रहे हैं बट वो सॉल्ट जो है वो डिजॉल्व नहीं होगा तो वो हो गया उसका सेचुरेशन तो सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्ट कि जो आपके लिए है सॉल्यूट एंड वाटर की जो है हमारा सॉल्वेंट। और ऐसा सॉल्वेंट की जो कैसा है स्पेशली सुटेबल सुटेबल सॉल्वेंट होगा तो ही ये सॉल्यूशन तैयार होगा बिकॉज सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर ही हमें मिलता है होमोजीनियस मिक्सचर बिकॉज प्रॉपरली जो है वो मिक्सअप हो जाएगा जो भी हमारा सॉल्यूट है वो पर्टिकुलर दैट सॉल्वेंट के अंदर तो ये है सॉल्युबिलिटी क्वांटिटेटिव वे से उसकी डेफिनेशन देखे एक और तो इट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट सर्टेन टेम्परेचर तो क्वांटिटी आप यहां पे देख सकते हैं क्वांटिटेटिव वे तो उसका मैं एग्जांपल आपको समझाता हूं कि समझो कि आपने लिया है फाइव ग्राम एनएसएल एंड हंड्रेड एम एल आपने लिया है वाटर तो समझो कि हम उसको परसेंटेजली देखें बिकॉज यहां पे बात है क्वांटिटी की यहां पे बात की है क्वांटिटी की तो क्वांटिटी कितनी तो पांच ग्राम किसकी तो ये है आपका सॉल्यूट एंड सेकंड इज द सॉल्वेंट सॉल्वेंट है 100 एमएल उसकी क्वांटिटी 100 एमएल की जो है वाटर एंड सॉल्यूट है पांच ग्राम की जो है हमारा NaCl की जो है सॉल्ट तो अब समझिए कि दिस द कंसंट्रेशन अब मैं कंसंट्रेशन को समझो कि आपने कंसंट्रेशन एनालिसिस के अंदर ऑलरेडी सीखे हैं कि पांच ग्राम किसी सब्सटेंस को मैं 100 ml के अंदर समझो कि मैं डिसॉल्व करता हूं तो वो कंसंट्रेशन क्या बनेगी परसेंटेज तो 5 ग्राम इन 100 एम एल मींस इट इज कॉल फाइव परसेंट एन एस सी एल सॉल्यूशन कहा जाएगा ये एन एस सी एल का सॉल्यूशन तो है बट फाइव परसेंट फाइव परसेंट इसलिए बिकॉज फाइव ग्राम हमने हंड्रेड एम एल के अंदर डिजॉल्व करवाया तो दूसरे वर्ड में ऐसे भी आप लिख सकते हैं उसको फाइव परसेंट ग्राम था इसलिए वेट एंड वॉल्यूम था 100 एम इसलिए 5 परसेंट वेट बाय वॉल्यूम तो ये हो गया क्वांटिटेटिव बेसिस सॉल्यूबिलिटी को हमने समझा कि ये पांच ग्राम एन 100 सी हंड्रेड एम वाटर में डिजोल्व करके जो हमारा सॉल्यूशन तैयार होगा वो होगा प्रॉपर सेचूरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एन कि जिसके अंदर 100 एम वाटर के अंदर 5 ग्राम जितना एन प्रॉपरली डिजोल्व हो चुका है एंड उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन वो हमें मिलती है फाइव परसेंट ऐसे ही हम अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन बनाते हैं कि वन परसेंट टू परसेंट थ्री परसेंट तो इट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ये कौन ये ये क्या दिखाता है परसेंटेज तो कॉन्सेंट्रेशन दिखा रहा है सॉल्यूट की वन परसेंट मतलब की वन ग्राम सॉल्यूट होगा टू परसेंट इट मीन्स टू ग्राम सॉल्यूट थ्री परसेंट इट मीन्स थ्री ग्राम न फाइव परसेंट इट मीन्स ये फाइव ग्राम सॉल्यूट इन ए सेचूरेटेड सॉल्यूशन एट सर्टेन एन टेम्परेचर तो ये चीज का आप जो है वो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं कि जो मैंने यहाँ पे अभी लिखा है तो स्लाइड को पॉज करके आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं अब मैं ये एनोटेशन यहाँ से हटा रहा हूँ और आगे सीखते हैं सेकेंड डेफिनेशन क्वालिटेटिव वे से अब बात है क्वालिटी की इन ए क्वालिटेटिव वे इट इज द स्पॉन्टेनियस इंटरेक्शंस ऑफ टू और मोर सब्सटेंस अब क्वालिटी की बात करें तो दो सब्सटेंस की सॉल्ट है प्लस वाटर है तो स्पॉन्टेनियस क्या हो रही है इंटरेक्शंस हो रही है ऑफ टू और मोर सब्सटेंस कि एक है सोल्यूट एंड सेकंड इज सॉल्वेंट टू फॉर्म ए होमोजीनियस मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन तो यहाँ पे क्वालिटी की क्वालिटी किसके फॉर्म में देख रहे हैं तो ये होमोजीनियस वर्ड जो है वो है क्वालिटी बिकॉज जब भी आपका सब्सटेंस सॉल्यूबल होता है तो इस तरह से सॉल्यूबल होना चाहिए कि जो कैसा बनाए होमोजीनियस मॉलिकुलर डिशन डिस्पर्सन मतलब कि सिंपल वर्ड में मैं कहूं यही चीज को तो होमोजीनियस मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर कि आप जब वो मिक्सचर देखो या फिर वो सॉल्यूशन देखो तो वो सॉल्यूशन के अंदर आपको कोई भी रेसिड्यू देखने को नहीं मिलेंगे कि प्रॉपर कि जो भी सॉल्यूट है आपका ये नीचे वाला आप डायग्राम देख सकते हैं दिस वन कि आप जो है वो सॉल्यूट ले रहे हैं सॉल्वेंट के अंदर उसको डाल रहे हैं और प्रॉपर जब आप उसको मिक्स करते हैं तो ये होमोजीनियस मिक्सचर आपको मिलता है जो है सॉल्यूशन तो क्वालिटेटिव वे से प्रॉपर ऐसी इंटरेक्शंस होनी चाहिए सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट के बीच में कि जिसके कारण आपका जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट के अंदर प्रॉपरली मिक्सअप हो जाए डिजोल्व हो जाए एंड एक होमोजेनियस डिस्पर्जन बनाए सो द कंडीशन इज दैट इन ए क्वालिटेटिव वे योर सॉल्यूट मस्ट बी डिज़ोल्व इन योर सॉल्वेंट एंड हैव टू मेक होमोजेनियस मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन और वी कैन ऑल्सो इट ए होमोजेनियस मिक्सचर एंड इन केस ऑफ क्वांटिटेटिव We have to measure the quantity like 5% solution, 3% solution, and 1%, and that percentage it means it is a quantity of solute. 1% means 1 gram in 100 ml, and that solution also must be a saturated at the certain temperature. So, it is basic concept of solubility. आगे सीखते हैं कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या है वो भी आपको प्रॉपर डिटेल में पता होना चाहिए कि सॉल्यूट इज ए डिजोल्व एजेंट इज ए डिजॉल्व एजेंट कि यहां पे समझो कि ये सॉल्यूशन है हमारे पास एन का एन का सॉल्यूशन है या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन है और क्वांटिटी भी चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि फाइव परसेंट सोल्यूशन है तो ये जो सॉल्यूट है हमारा वो होगा पांच ग्राम जितना कि ये जितने भी अलग अलग मॉलिक्यूल से सॉल्यूट के ये टोटल पांच ग्राम जितने है और वो प्रॉपर डिजोल्व हो गए है ये सॉल्वेंट के अंदर तो ये है लेस एबंडेंट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन या फिर उसकी जो क्वांटिटी है वो कैसी है लेस क्वांटिटी बिकॉज ऐसा नहीं करते कि हम हमारे पास समझे कि 100 ml सॉल्वेंट है तो सामने 100 ग्राम सॉल्यूट जो है वो हम नहीं लेते ये रॉन्ग है बिकॉज और इतना ज़्यादा हम ऐड करेंगे तो वो डिजोल्व ही नहीं होगा और कैपेसिटी आ जाएगी उसकी कि कुछ समय के बाद वो प्रॉपर सेचूरेटेड सॉल्यूशन बना लेगा और उसके बाद वो डिजोल्व नहीं रहे होगा मतलब कि ऑलवेज लेस क्वांटिटी रहती है सॉल्यूशन के अंदर जो सब्सटेंस की उसको हम कहते हैं ये सॉल्यूट एंड सेकंड सॉल्वेंट इज द कंपोडेंट इन विच सोल्यूट इज डिजॉल्व एंड मोर एबंडेंट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन की सॉल्यूट है पांच ग्राम पर यहां तक का जो ये लेवल है सॉलवेंट का वो है हंड्रेड एम एल तो सॉल्वेंट है एटलीस्ट हंड्रेड एम एल जितना और यह है समझो कि पांच ग्राम तो लेस क्वांटिटी यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी ऑलवेज़ ज़्यादा होगी कि जब ये अलग अलग हम लिक्विड डोजेस फॉर्म बनाते हैं फार्मास्यूटिक्स के अंदर तो उस वक्त ये काफ़ी ज़रूरी है कि आपका जो भी सॉल्यूट है आपके जो भी इंग्रेडिएंट्स है अलग अलग वो सभी वहाँ पे बन जाते हैं सॉल्यूट और एक प्रॉपर एक सूटेबल सॉलवेंट के अंदर वो सभी इंग्रेडिएंट्स को हम डिजोल्व करके अलग अलग जो लिक्विड डोजेस फॉर्म जो है वो डिज़ाइन करते हैं तो ये जरूरी है कि जो सॉल्यूट है उसकी क्वांटिटी ऑलवेज लेस होती है एंड सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा होती है दे फॉर्म ए होमोजीनियस मिक्सचर और वो होमोजीनियस मिक्सचर तैयार करते हैं दैट कॉल द सॉल्यूशन कि वो जो होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाते हैं उसको हम कहते हैं सॉल्यूसन होमोजीनियस मिक्सचर या फिर होमोजीनियस सॉल्यूशन तो ये था सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इस तरह से एक और एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं आपके ये दो है सुगर है आपके पास दैट इज ए सुगर और यहाँ पे है आपका वॉटर के समझो कि आपने 100 एम जितना वाटर लिया है एंड सुगर है समझो कि आपके पास 30 ग्राम जितनी है या फिर 40 ग्राम जितनी है तो शुगर का सॉल्यूशन यहाँ पे तैयार हो जाएगा और जब ये क्वांटिटी हम समझो कि सिक्सटी सिक्स पॉइंट सेवन परसेंट लेते हैं शुगर मतलब कि सिक्सटी सिक्स पॉइंट सेवन ग्राम जितनी सुगर लेते हैं हम तो वो जो बनता है कॉन्सेंट्रेशन सिक्सटी सिक्स पॉइंट सेवन परसेंट वो बनाएगा जो शुगर का सॉल्यूशन उसको हम कहते हैं फिर सिरप तो जो आपने लिक्विड डोजेस फॉर्म सीखे हैं, उसमें यह खास इम्पोर्टेंट है कि हमने ऑलरेडी आपको सिखाया था कि व्हाट इज सिरप सिरप के अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन हमने देखी थी तो इस तरह से जो सॉल्वेंट है कि सुगर के लिए भी ये जो वाटर है वो कैसा सॉल्वेंट बनता है सूटेबल सॉल्वेंट। और ये सूटेबल सॉल्वेंट की जो वाटर है उसके अंदर ये जो शुगर प्रॉपरली हो जाएगी सोल्युबलाइज और डिजॉल्व हो जाएगी तो स्टेप्स ऑफ सॉल्युबिलिटी हम देखें कि समझो कि आपने सबसे पहले लिया है ये लम्प ऑफ ए सुगर कि सुगर का ये जो लम्प कि जो हम देखते हैं कि सुगर के क्यूब्स होते हैं ऐसे कि आप कोई भी एक जब सुगर का कोई मोलिक्यूल लेते हैं कि जो हम बाजार से जो भी चीनी लाते हैं सुगर लाते हैं तो वो जब आप लेकर बीकर में डालते हो उसमें से सिर्फ एक ही पीस लिया है वो शुगर का वन सिंगल लंप ऑफ लंप ऑफ शुगर इज ड्रॉप इन टू ए बीकर ऑफ ए वॉटर तब आगे क्या होता है जैसे ही ये लंप इसके अंदर जाएगा तो उसके जो ये ये क्या है एक तो सॉलिड है और स्टेट ऑफ सेस्ट ऑफ मैटर में हमने सीखा है कि सॉलिड के अंदर सभी पार्टिकल एक दूसरे के साथ प्रॉपरली ऐसे सेट होते हैं जिसके कारण जो सॉलिड है वो कैसा होता है डेफिनेट सेप वाला होता है एंड डेफिनेट उसका वॉल्यूम भी होता है तो ये जो सॉलिड है अब उसके अंदर जा रहा है तो अब हुए डीजल होना स्टार्ट होगा तो सबसे पहले वो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरह से सेपरेट होने लगते हैं एंड शुगर मॉलिक्यूल्स बिगिन टू ब्रेक ऑफ फ्रॉम द लंप अब उनके बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं ब्रेक होते हैं और जिसके कारण सभी मॉलिक्यूल्स जो है अब सेपरेट सेपरेट हो जाते हैं कि पहले ऐसा था कि ये मॉलिक्यूल ये ये तो सभी के बीच में ऐसे बॉन्ड्स थे किस तरह से बॉन्ड थे सभी के बीच में अब क्या होगा कि ये बॉन्ड ब्रेक होंगे जिसके कारण बॉन्ड ब्रेक होने के कारण ये सभी मॉलिक्यूल्स इस तरह से सेपरेटली ये सॉल्वेंट के अंदर ट्रैवल करना स्टार्ट कर देते हैं और अब देख सकते हैं कि मोर एंड मोर सुगर मॉलिक्यूल्स मूव अवे एंड रैंडमली बाउंस अराउंड और सभी मॉलिक्यूल इस तरह से कि कुछ टॉप पे है कुछ नीचे की ओर है कुछ साइड में है और पूरे वो सॉल्वेंट uh, के अंदर अच्छे से ट्रैवल कर रहे हैं और आगे जाके सभी जगह पे इक्वली फैल जाएंगे जिसके कारण समझो कि आप ऊपर से ये पानी का टेस्ट करोगे या फिर नीचे से करोगे तो भी उसका जो टेस्ट है वो आपको कैसा लगेगा ऑलवेज स्वीट sweet. कि स्वीटनेस उसकी ऊपर से लो या फिर नीचे से बिकॉज इवेंचुअली ऑल ऑफ द सुगर मॉलिक्यूल्स बिकम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉटर और वो बना देते हैं एक होमोजीनियस मिक्सचर तो अब ये जो मिक्सचर तैयार हुआ वो होमोजीनियस मिक्सचर तैयार हुआ जिस तरह से स्टेप्स है सॉल्यूबिलिटी के अंदर तो अब समझते हैं सॉल्यूशन को तो इट इज ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोन दैट फॉर्म ए होमोजीनियस मिक्सचर तो सॉल्यूशन ऑलवेज कैसे होते हैं होमोजेनियस तो ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि सॉल्यूशंस ऑलवेज फॉर्म ए होमोजेनियस मिक्सचर कि जिसके अंदर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल इवेंटुअली मतलब कि थ्रू आउटली इन सॉल्वेंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं सॉल्वेंट के अंदर दिट इज द कंपोनेंट्स आर रिफर्ड द सॉल्यूट एंड सॉल्यूट्स या फिर सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट्स सॉल्वेंट की जिसकी क्वांटिटी हाई है एंड सॉल्यूट की जिसकी क्वांटिटी लेस है कि जैसे मैंने अभी एग्जो जो एग्जाम्पल दिखाया कि फाइव परसेंट एन है तो हाई क्वांटिटी सॉल्वेंट की है कि जो है हंड्रेड एम एल वाटर एंड लेस क्वांटिटी सॉल्यूट की है कि जो है फाइव ग्राम सॉल्ट फाइव ग्राम सॉल्ट मतलब कि एनएसएल तो ये है सॉल्यूशन के सिंपल डेफिनेशन और उसका कंपोजिशन तो टोटल तो तीन टाइप के अब सॉल्यूशंस बनते हैं एक तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन दूसरा अनसेचूरेटेड और जो तीसरा सॉल्यूशन है वो सुपर सेचूरेटेड है तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब कि क्या है तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन इन विच इक्विलिब्रियम इज एस्टाब्लिस बिटवीन डिजोल्व एंड अनडीजोल्व सॉल्यूट एट डेफिनेट टेम्परेचर कि समझो कि वो टेम्परेचर में कंसिडर करता हूँ रूम टेम्परेचर है ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस तो वो टेम्परेचर पे कि जो भी मेरा एन है प्लस वाटर है कि जितना डिजोल हुआ है इज इक्वल टू अनडीज कि डिजॉल एंड अनडीजल के बीच में प्रॉपर क्या है इक्विलिब्रियम प्रॉपर क्या है एस्टाब्लिश इक्विलिब्रियम तो वो कहा जाता है सेचुरेटेड सॉल्यूशन की नो मोर सॉल्यूट विल डिजॉल्व तो ये बन जाता है सेचुरेटेड सॉल्यूशन तो ये एक, एक और एग्जांपल लेके मैं आपको ये सैच्यटेड uh, सॉल्यूशन का समझा देता हूं तो आपको समझने में काफी आसानी होगी तो समझो कि सेचुरेटेड सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है फाइव परसेंट एनएससीएल जस्ट कि आप इसलिए मैं लिख रहा हूं कंसिडर फाइव परसेंट एन एस सी एल इज सेचुरेटेड उसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम में फाइव ग्राम जितना एनएससीएल ही हंड्रेड एम एल वाटर के अंदर डीजल कर पाऊंगा तो इसके पांच स्टेप समझते हैं कि सबसे पहले स्टेप वन तो समझे कि मैंने वन ग्राम एनएससीएल लिया एंड उसको हंड्रेड एम एल वाटर वाले बीकर में कर करता तो ये है मेरा बीकर जिसके अंदर यहां तक हंड्रेड एम जितना भरा हुआ है वाटर अब मैंने स्टार्टिंग में वन ग्राम जितना एन ऐड किया और वो हो रहा है प्रॉपर डिजॉल और फिर से मैं एक और ग्राम उसके अंदर ऐड कर रहा हूँ तो ये भी जो है वो डिजोल हो गया अब अनदर वन ग्राम में डाल रहा हूँ वो भी डिजोल्व हो रहा है फिर वन मोर तो अब ये पॉइंट ऐसा है कि टोटल चार ग्राम जितना ऑलरेडी उसके अंदर डिजोल है तो अभी मैं एक और ग्राम वहाँ पे ऐड करता हूँ तो अब हो गया है वो फाइव प्लस फोर प्लस वन पाँच ग्राम अब मैं फिर से एक और ग्राम फिर से ऐड करता हूँ तो अब होता है छः ग्राम बट मैं जब ये बीकर को ऑब्जर्व करता हूँ तो देखता हूँ कि नीचे की ओर मुझे ऐसे सॉल्ट के जो है वो मॉलिक्यूल जो है वो दिखने को मिलते रहे कि ये जो मेरा बीकर था उसके अंदर फाइव प्लस वन करता हूँ जब मैं ये हंड्रेड एम मेरा वाटर और फाइव प्लस वन जब मैं करता हूँ कि पाँच ग्राम है सॉल्ट और एक ग्राम एक्स्ट्रा सॉल्ट जो है वो ऐड कर रहा हूँ तो पाँच ग्राम जो है वो डिजॉल्व हो गया और बाकी का जो वन ग्राम है उसके नीचे मुझे इस तरह से रेसिड्यू मिलेंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो वन ग्राम एन है वो अब डिजोल्व नहीं हो रहा है बिकॉज ये जो फाइव परसेंट सॉल्यूशन ऑलरेडी बन चुका है वो है सेचूरेटेड सॉल्यूशन जिसके कारण नो मोर सॉल्यूट विल डिजोल्व इन दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो ये आप देखो टेस्ट ट्यूब के अंदर ये जो सॉल्यूशन है वो ऑलरेडी जो है वो सेचुरेटेड बन चुका है ये वाला जो है वो ऑलरेडी सेचूरेटेड बन चुका है जिसके कारण क्या हो रहा है कि अब जब मैं ऐड कर रहा हूं इसके अंदर कुछ भी दिस इज ऑलरेडी सेचूरेटेड तब देखो इसके अंदर जब ये ऊपर से आप ये मॉलिक्यूल से एड तो नीचे क्या देखने को मिल रहे है उसके रेसिड्यू बिकॉज ये वाला सॉल्यूशन ऑलरेडी सेचूरेटेड है जिसके कारण नो मोर सॉल्यूट विल डिजॉल्व तो ये है सैचुरेटेड सॉल्यूशन कि अब संतृप्त हो चुका है जैसे कि समझो कि आप किसी पर्सन को खाना खिलाते हैं तो उसकी कैपेसिटी जितना उसने खाना खा लिया है कि समझो कि कोई पर्सन की कैपेसिटी थी कि फाइव रोटीज खा लेता है और फिर एक्स्ट्रा वन रोटी आप उसको ट्राई करते हो खिलाने का तो अब वो नहीं खा पाएगा बिकॉज उसका जो सेचुरेशन लेवल था वो फाइव रोटी तक ही सीमिट था अब एक्स्ट्रा आप जब एक और रोटी उसको खिलाने का ट्राई करोगे तो वो नहीं खा पाएगा बिकॉज वो जो है वो सेचूरेटेड हो चुका है संतृप्त हो चुका है और जब कोई इंसान हो या फिर कोई सॉल्यूशन हो जब वो सेचूरेटेड हो जाता है संतृप्त हो जाता है तो वो उसके अंदर कोई भी एक्सेसिव मटेरियल को डिजॉल्व नहीं कर पाता या फिर नहीं उसके अंदर उसको इंटेक कर पाता तो सॉल्यूशन दैट कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट डेफिनेट टेम्परेचर इस कॉले सैचुरेटेड सॉल्यूशन और उसका बेस्ट एग्जाम्पल है ये सिरप कि जो हमारी सिरप होती है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर इंक्लूडेड है तो सिरप इज नियरली सैचुरेटेड एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सुगर सच एस सुक्रोज तो ये जो सिरप होती है उसके अंदर सुक्रोज होता है मेन एज अ सॉल्यूट एंड हम तो वाटर यूज़ करते हैं एज अ सॉल्वेंट तो सुक्रोज इन वाटर विथ और विदाउट मेडिसिनल और फ्लेवरिंग एजेंट की ये जो तैयार होता है दिस इज़ द मेन सिरप बेस यूज फॉर द फर्दर यूज़ की सबसे पहले हम क्या करते हैं मेन सुगर का बेस तैयार करते हैं कि उसको फिर आगे फर्दर हम यूज़ करेंगे तो ये जो सुक्रोज का जो सोलू सॉल्यूशन बनता है वाटर के अंदर और वो जब प्रॉपर सेचूरेटेड सॉल्यूशन होता है तो वो डेफिनेशन बनती है सिरप की तो व्हेन द सिरप कंटेंट्स ऑफ एडेड मेडिसिनल सब्सटेंस इट इज कॉल्ड ए मेडिकेटेड सिरप की ये सबसे पहले तो आपने सिरप का बेस बना लाया उसके अंदर समझो कि आप मेडिसिन ऐड करते हैं तो वो जन, बन जाती है मेडिकेटेड उसके अंदर फ्लेवर ऐड करते हैं तो फ्लेवर सिरप बन जाती है बट मेन जो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट तो हमारा है सैचूरेटेड सॉल्यूशन का तो जो ये सिरप का बेस बनता है वो कैसा होता है नियरली सैचूरेटेड एक्वियस सॉल्यूशन और वो बनता है सुक्रोस का तो उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सूरप सिरप तो अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश फार्माकोपिया सिक्सटी सेवन पॉइंट सेवन परसेंट वेट बाय वेट वेट बाय वेट मतलब कि ऐसा है कि उसके अंदर आप सॉल्यूट भी मेजर करते हैं ग्राम के अंदर एंड आल्सो यू मेजर द सॉल्वेंट इन ए ग्राम तो उस वक्त जो क्वांटिटी तैयार होती है परसेंटेज के अंदर वो वेट बाय वेट कहा जाता है कि 66 सिक्स uh, तो जो कॉन्सेंट्रेशन है सिक्सटी सिक्स पॉइंट सेवन परसेंट तो सिक्सटी सिक्स पॉइंट जो सेवन परसेंट है उसका मतलब क्या हुआ कि सिक्सटी सिक्स पॉइंट सेवन ग्राम होगा सुक्रोस और सामने वाटर तो चाहिए ही तो वाटर यहाँ पे होगा समझो कि परसेंटेज है इसलिए हंड्रेड ग्राम तो ही ये परसेंटेज बनेंगे 66.7 वेट बाय वेट बिकॉज 66.7 पॉइंट सेवन बाय हंड्रेड ऐसे लिखो तो ऊपर भी वेट है नीचे भी वेट में ही वॉल्यूम है इसलिए तो अब देखो आप कि यहां पे सुक्रोज की क्वांटिटी कम है इसलिए उसको हम कहेंगे सॉल्यूट और वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है और वो हो गया सॉल्वेंट तो इस तरह से भी जब आप एग्जाम्पल्स देते हैं तब भी इजीली समझ जाते हैं कि जब भी कोई भी सॉल्यूशन तैयार होता है कि यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा सॉल्यूशन कि जिसको हम कहेंगे सिरप और उसकी कॉन्सेंट्रेशन रहेगी सिक्सटी सिक्स पॉइंट सेवन वेट बाय वेट तो ये है सेचूरेटेड सॉल्यूशन कि जो है हमारा सिरप तो एस पर बीपी देखा वैसे ही यूएसपी यूएसपी के अकॉर्डिंग टू है एटी फाइव परसेंट वेट बाय वॉल्यूम है तो यहां पे क्या हुआ एस पर द यूएसपी आप देखो तो यहाँ पे सुगर कितनी है एटी फाइव ग्राम और वाटर है यहाँ पे हंड्रेड एम तब जो कॉन्सेंट्रेशन बनती है वो 85 ग्राम मतलब कि वेट बाय एम वो हो गया वॉल्यूम और 100 है इसलिए परसेंटेज और जो बनती है वो हमारी सिरप यूएसपी हम कहते हैं सूरप यूएसपी और ये है यहाँ पे भी देखो सॉल्यूट सुगर ही है बिकॉज उसकी क्वांटिटी 85 है और वाटर उससे और भी ज़्यादा हंड्रेड है तो वाटर ऑलवेज रहेगा सॉल्वेंट और यो जो सॉल्यूशन तैयार हुआ हमारा वो है सिरप और उसकी क्वांटिटी है एट्टी फाइव परसेंट वेट बाय वॉल्यूम तो इस तरह से आप सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को समझ सकते हैं तो सिरप यूएसबी कंटेंट एट्टी फाइव ग्राम ऑफ सुक्रोस एंड फॉर एटी एम एल ऑफ वाटर इन एच लीटर ऑफ सिरप अभ्यास आपको समझ में आएगा कि जब सूरप यूएसपी तैयार करते हैं तो इस तरह से भी वो आगे करते हैं कि सबसे पहले तो ये डिजोल्व कर दिया आपने स्टार्टिंग में उसके बाद क्या किया जाता है कॉन्सनट्रेशन इंक्रीज करने के लिए वेरी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए एक्सेसिव अमाउंट के अंदर फिर शुगर जो है वो ऐड की जाती है जिसके कारण वो सैचूरेटेड नहीं बट आगे जाके ऐसा काफ़ी विस विस्कस सॉल्यूशन बनता है एज़ पर सरफ यू एस पी बट ज़्यादातर हम यही फार्मूला प्रीफर करते हैं कि जिसके कारण प्रॉपर सेचूरेटेड सॉल्यूशन बनता है सिरप का तो यहाँ पे हम जस्ट एज अ एग्ज़ाम्पल जस्ट कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये हमने स्टेटिस्टिक्स यहाँ पे लिए हैं स्पेशली आपको यही याद रखना है और एग्जाम के अंदर भी जब आपको लिखना है 66 तो 66.7% परसेंट वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ सुरप इट इज ए वन एग्जांपल ऑफ नियरली सैच्युरेटेड सॉल्यूशन अब समझते हैं अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन तो एन अनसेच्युरेटेड सॉल्यूशन और सबसे सॉल्यूशन इज वन कंटेनिंग द डिजॉल्व सॉल्यूट इन ए कॉन्सेंट्रेशन बिलो दैट नेसेसरी फॉर ट सैचुरेशन एट डेफिनेट टेम्परेचर और फिर से हमें वो वो वाली कंडीशन याद करनी है कि यहाँ पे अनसेचुरेटेड कंडीशन मीन्स मोर सोल्यूट डिजॉल तो ये यह जो यहाँ पे हम टेस्टिव में जो सोल्यूशन देख रहे हैं वो है अनसेचूरेटेड मतलब कि उसका सेचूरेटन पॉइंट था समझो कि पांच ग्राम यहां पे मैं लिख रहा हूं कि समझो कि सेचुरेशन पॉइंट तो सैचुरेशन पॉइंट यह था कि उसके अंदर जब आप फाइव ग्राम डिजोल्व करवाते हैं इन हंड्रेड एम एल कंसिडर करते हैं यह कोई ऐसा नहीं है फिक्स वैल्यू जस्ट कंसिडर सेचुरेटेड पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस इज फाइव ग्राम इन हंड्रेड एम एल तो अनसेचुरेशन पॉइंट क्या बनेंगे फ्रॉम जीरो पॉइंट वन टू फॉर पॉइंट नाइन नाइन ग्राम कि जैसे आप जीरो पॉइंट वन ग्राम सॉल्यूट ऐड करते हैं वो भी कहा जाएगा अनसेच्यूरेटेड सॉल्यूशन तो समझो कि ये पूरी टाइमलाइन बनाते हैं जीरो से लेकर जीरो फिर वन टू थ्री फोर और यहाँ पे फाइव है तो जब ये फाइव ग्राम होगा तब होगा वो सेचूरेटेड और बाकी के ये पाँच से नीचे फोर पॉइंट नाइन तक के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब कहे जाएंगे अन पॉइंट और वो लेवल पे जो भी आप सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट ऐड करते जाओगे वो डिज़ोल्व होता ही जाएगा और फिर जैसे ही पाँच ग्राम होगा और आगे फाइव पॉइंट वन करोगे तो वो वाला पोर्सन जो है वो डिजोल्व नहीं होगा तो वो कहा जाएगा कि फाइव उसका सेचूरेशन पॉइंट था मतलब कि वहाँ पे जो भी हमें सॉल्यूशन मिलता है वो पॉइंट पे वो सेचूरेटेड सॉल्यूशन और उसके ये साइड की जो कंडीशन ये सभी कंडीशन है अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन की तो बिलो दैट नेसेसरी फॉर कंप्लीट सेचुरेशन एट डेफिनेट टेम्परेचर तो सिंपल इस तरह से भी आप टाइमलाइन बना सकते हैं उसकी कि ये जीरो पॉइंट वन ग्राम से फिर आगे जाके वन ग्राम बनता है टू ग्राम फिर समझो कि यहाँ पे थ्री ग्राम फोर ग्राम एंड हियर दैट इज ए फाइव ग्राम तो चार ग्राम तीन दो एक पॉइंट वन वो सब पी पॉइंट है अनसेचूरेटेड सॉल्यूशन के और पांच ग्राम जैसे ही होगा वो बनेगा सेचूरेटेड सॉल्यूशन जिस तरह से ये कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं कि मोर सॉल्यूट विल डिजॉल्व मतलब कि समझे कि कोई पर्सन फाइव रोटी खा सकता है तो जब आप उसको वन रोटी देते हैं टू थ्री एंड फोर तो ये कही जाएगी उसकी अनसेचूरेटेड कंडीशन अभी तक वो संतृप्त हुआ नहीं है बिकॉज उसने अभी एक ही रोटी खाई है फिर एक और दी तो दो हुई फिर तीन चार तो चार तक जो है वो अनसेच्यूरेटेड बट जब वो आगे जाके फिफ्थ रोटी ले लेता है वो अच्छे से खा लेता है उसके बाद वो हो जाता है प्रॉपर सेचूरेटेड तो ऐसा ही सेम हाल है ये हमारे सॉल्यूशंस का के सॉल्यूशंस की जो एबिलिटी होती है तब तक उसके अंदर ये सॉल्यूट डिजोल्व होते जाते हैं एंड डिजोल्व होते जाते हैं तब तक की जो कंडीशन अनसेचुरेटेड कंडीशन की जिसको हम कहते हैं अनसेचुरेटेड सॉल्यूशंस तो अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन और इन विच द अमाउंट ऑफ डिजोल सॉल्यूट इज लेस देन सेचुरेशन पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एट दैट स्पेसिफिक टेम्परेचर ग्रेडियंट कि जो स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जो उसका सेचूरेटेड पॉइंट था कि जो मैंने आपको इस तरह से समझाया था कि ज़ीरो पॉइंट वन से लेकर ये फोर पॉइंट नाइन और उसके बाद है ये फाइव पॉइंट ज़ीरो तो ये वन टू थ्री फोर तो ये जो 5.0 है वो हो गया उसका सेचुरेशन पॉइंट तो उसके बिलो वाली उसके बिलो वाले जितने भी ये वैल्यूज है लेस देन दैचुरेशन पॉइंट बिलो या फिर उससे लेस जितना भी है समझो कि आप वन पकड़ते हो वन पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव पकड़ते हैं तो ये सभी पॉइंट्स वो प्रॉपर टेम्परेचर के लिए कहे जाएंगे अनसेचुरेशन पॉइंट और वो सॉल्यूशन कहा जाएगा अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन अब तीसरी कंडीशन है सुपर सॉल्यूशन बिकम्स अनस्टेबल एन क्रिस्टल आर फॉम अब ऐसी कंडीशन होती है कि वो जो, जो पर्सन था वो पांच रोटी ही खा सकता था बट आपने उसको और आग्रह करके और दो रोटीज़ उसको खिला दी तो अब वो पर्सन की कैपेसिटी थी पांच ही रोटी खाना बट और दो रोटी आपने उसको खिला दी उसका मतलब हुआ कि उसने टोटल सेवन जितनी रोटीज़ खा ली है तो अब उसकी कंडीशन ऐसी है कि उसने उसका सैचुरेशन पॉइंट से भी ज्यादा कि जितना उसका सेचुरेशन होता था संतुलित होता था उससे भी ज़्यादा उसने और दो रोटीज़ खा ली जिसके कारण वो पर्सन अब रहेगा अनस्टेबल कि हम कई बार अनकंफर्टेबल फील कर लेते हैं जब एक्सेसिव खाना खा लेते हैं तो सेम अब यहाँ पे हमारे सॉल्यूशन की भी ऐसी हालत है कि अब वो हो चुका है सुपर सेचुरेटेड थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल बन चुका है और जो उसके अंदर एक्सेसिव अमाउंट में जो डिजॉल्व हुआ था सॉल्वेंट अरे सॉरी सॉल्यूट वो अब एज अ क्रिस्टल के फॉर्म में वहां से सेपरेट होगा तो समझो कि क्रिस्टल जो है वो एक्सेसिव एड कि समझो कि हमने ये पॉइंट बनाया था जीरो पॉइंट वन डेस 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 फोर पॉइंट नाइन यहां पे वन टू थ्री एंड फोर तो समझो कि ये पांच ग्राम वाला जो था वैल्यूज़ जो है वो ग्राम में है सब तो पांच ग्राम वाला पॉइंट था वो हमने कहा था सेचुरेशन का उससे ये साइड हम आते हैं तो अनसेचुरेटेड या फिर अनसेचुरेशन और अब इससे आगे जाते हैं समझो कि सात या फिर आठ की ओर बढ़ते हैं तो वो कंडीशन कही जाती है सुपर सेचुरेशन के पॉइंट कैपेसिटी तो पांच थी थी बट अब वो छः की ओर भी जा रहा है सेवन और एट और इसके लिए से सेचुरेशन करवाने के लिए जरूर पड़ती है हीट देना कि अब यही ट्यूब को आप जब हीट देते हैं तो यही जो आपका सॉल्वेंट है उसी के अंदर ये जो सॉल्यूट वो डिजॉल्व हो जाएगा बट जब हीट देना बंद कर देंगे तो फिर से वो हो जाएगा क्रिस्टल फॉर्म होगा बिकॉज वो अनस्टेबल कंडीशन थी कि जैसे कि आप एक्सेसिव खाना खा लेते और टॉलरेट नहीं होता तो फिर आप वॉमिट कर देते हैं तो जो एक्सेसिव कुछ खा लिया उसकी समझो कि वॉमिटिंग हो गई तो मतलब हुआ कि जितना आपका बॉडी ने टॉलरेट कर सकता था जितनी उसकी एबिलिटी थी उतना ही उसने एक्सेप्ट किया बाकी का बाहर निकल गया तो सेम लाइक दैट जितना सॉल्युबल होना था उतना ही सॉल्युबल होगा एक्सेसिव जो हम डिजोल्व करवाते हैं उसके फॉर्म हो जाते हैं क्रिस्टल और यही कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करके क्रिस्टलाइजेशन करते हैं कि जो क्रिस्टलाइजेशन आप यूनिट ऑपरेशन एक सीखते हैं तो वह यही कॉन्सेप्ट सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन का वहाँ पे यूज़ होता है कि सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन इज ए मोर सॉल्यूट सॉल्यूसन देन कैन बी डिजॉल्व बाय द सॉल्वेंट की सॉल्वेंट की जितनी कैपेसिटी है उससे भी ज्यादा सॉल्वेंट आपने उसके अंदर डिजोल्व कर दिया है तो एक्सेसिव सॉल्यूट दूसरे वर्ड में मैं कहूं तो एक्सेसिव सॉल्यूट इन सॉल्वेंट बाय हीटिंग यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर सकते हैं कि एडिशन ऑफ एक्सेसिव सॉल्यूट इन सॉल्वेंट बाय हीटिंग तो ये जो आपकी तीनों टेस्ट ट्यूब्स थी उसको अब जो कंपेयर करो कि ये पहली ट्यूब थी कि अनसेचूरेटेड फिर दूसरी टेस्ट ट्यूब आपकी बनी ये वाले कि सेचूरेटेड और अब आप यहाँ पे हीट अप्लाई करके एक्स्ट्रा ऐड करवाए कि यहाँ पे समझो कि वन टू थ्री एंड फोर ग्राम यहाँ पे फिफ्थ ग्राम जैसे ही आपने ऐड किया सेचूरेटेड बट समझो कि अब छः सात आठ ग्राम जितना ऐड करके अब जो ये सॉल्यूशन बनाते हैं अब वो कहा जाएगा सुपर सेचूरेटेड ये जो बनेगा वो सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाएगा तो ये है सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन की मोर सॉल्यूट मोर कितना तो ये पांच था वो सेचुरेटेड था तो उससे ज्यादा आपने ये ऐड करवाया कि दो या तीन ग्राम जितना जब आप ऐड करवाते हो तो वो क्रिस्टल के फॉर्म में यहाँ पे नीचे आपको फॉर्म होता दिखता है तो यह है सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेंट्स मोर ऑफ द डिजोल्व सॉल्यूट देन वुड नॉर्मली कंटेन इन ए सैचुरेटेड स्टेट एट डेफिनेट टेम्परेचर के द मोर डिजोल सॉल्यूट द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल इज सोडियम एसिडेट विच इज सुपर सेचूरेटेड तो यहां से एमसीक्यू की पूछा जा सकता है कि मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल कौन सा है सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन का तो वो है सोडियम एसिटेट का सॉल्यूशन तो यहां पे भी एक एग्जाम्पल दिया है आपको देखिए स्टील डिजॉल्विंग 25 फाइव डिग्री सेल्सियस अन सेचुरेटेड है पांच ग्राम अब डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश है 91 वन एंड नाइन ग्राम तो नाइन ग्राम है आपका सॉल्यूट नाइन्टी वन ग्राम है समझो कि आपका सॉल्वेंट तो अब आप देखो यह बन चुका है हंड्रेड ग्राम ऑल डिज बट इट इज अन बिकॉज आपने हीट देना चालू किया है अब आगे समझो कि इसको कूल cool करते हैं तो नो प्रसिपिटेड येट एंड सुपर सेचूरेटेड बट जैसे और ठंडा होगा प्रेसिपिटेड फॉर्म हो गए एंड नाइन्टी वन ग्राम जो था वो हमें मिल गया एंड बाकी का जो एक्सेसिव जो है वो ये नाइन ग्राम जितने हमें मिल जाएंगे क्रिस्टल तो यहाँ पर सेचूरेटेड पॉइंट ही था बट हमने एक्सेसिव उसके अंदर डिजल करवाया बाय हीटिंग कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है डेल्टा वो हीट देकर आपने एक्स्ट्रा जो सॉल्यूट है उसके अंदर डिजोल्व करा है, जिसके हमें लास्ट में मिल जाते हैं क्रिस्टल तो ये है सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन के स्टेप्स तो आप देखिए कि अमाउंट ऑफ सोडियम एसिटेड डिजोल्व इज ग्रेटर देन इट्स सॉल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर की ये जो है कि अभी ये जो है वो सेचूरेटेड है समझो बट ये सैचूरेटेड सॉल्यूशन के अंदर आप ये एक्सेसिव एक्स्ट्रा सोडियम एसीडिड उसके अंदर ऐड कर रहे हैं तो अब क्या होगा हीट करने के बाद जब आप उसको आगे ये हीट करके डिजल्व किया और अब जब उसको कूल करेंगे तो कूलिंग के अंदर स्टेप वन कूलिंग स्टेप टू तो सीड क्रिस्टल ऑफ सोडियम एसिडेड इज एडेड टू सुपर सेचूरेटेड सॉल्यूशन एंड देन एक्सेस सोडियम एसिडेड स्टार्ट टू क्रिस्टलाइज फ्रॉम सॉल्यूशन अब ये देखो ये जो नीडल्स जैसे आपको ये फॉर्म होता देखने को मिल रहा है ये फॉर्म हो रहे हैं क्रिस्टल और यहाँ पे और ज़्यादा ये क्रिस्टल जो है वो फॉर्म हो रहे हैं जिसको आप फिल्टर करके जो है वो रिमूव कर सकते हैं तो सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड एंड एक्सेस सॉल्यूट हैज क्रिस्टलाइज़ की जो एक्सेसिव सॉल्यूट जो डीजल हुआ डीजोल हो गया उसके बन गए क्रिस्टल तो क्रिस्टल इज इक्वल टू एक्सेसिव एडेड सॉल्यूट ये पॉइंट खास अच्छे से याद रखोगे क्रिस्टल क्या है तो जो हमने एक्सेसिव अमाउंट के अंदर सॉल्यूट को ऐड किया वो ही हमें मिलता है आगे जाके एज अ क्रिस्टल तो सेचूरेट कन्वर्ट करते हैं आप उसको सुपर सेचूरेटेड के अंदर और फिर इस तरह से उसको कूल करते हो और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाता है कि ये समझो कि कूल करने कूलिंग का 15 मिनट बाद की कंडीशन थी और ये है 30 मिनट वाली कंडीशन तो जैसे जैसे टाइम आगे ज्यादा जाएगा और ज्यादा क्रिस्टल फॉर्म हो गए और वो फिर क्रिस्टल्स को आप जो है वो फिल्टर करके रिमूव करते हो और जो नीचे फिल्ट्रेट मिलता है वो होता है सेचूरेटेड सॉल्यूशन और ऊपर की ओर जो आपको मिलता है रेसिड्यू वो है आपके क्रिस्टल तो सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन इज ए मोर सॉल्यूट सॉल्यूशन दैट कैन बी डिजॉल्व बाय द सॉल्वेंट कंटेन्स द मोर ऑफ़ द डिजल सॉल्यूट दैन वुड बी नॉर्मली कंटेन इन सैचूरेटेड स्टेट एट डेफिनेट टेम्परेचर द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल इज सोडियम एसिडेड विच इज ए सुपर सेचूरेटेड सोल्यूशन तो ये आपको अच्छे से याद रखना है अब जानते हैं मिकेनिज्म के किस तरह से ये सॉल्यूट जो है वो सॉलवेंट के अंदर डिजॉल होता है तो सबसे पहले स्टेप वन है कि हॉल ओपन इन ए सॉल्वेंट ये है सॉल्वेंट तो सॉल्वेंट के अंदर देखो ये वाला एक और ये वाला ये दोनों समझो कि मैं लिखता हूं एच तो एच इज इक्वल टू हॉल हॉल यहां पे ओपन हुए तो ये है स्टेप वन कि सॉल्वेंट जो है वो क्या करता है हॉल क्रिएट करता है या फिर दूसरे वर्ड में मैं कहूं तो स्पेस जनरेट करता है स्पेस जनरेट करता है फॉर सॉल्यूट ये जो ये स्पेस करेगा वहाँ पे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स अच्छे से सेट हो पाए स्टेप टू है वन मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड ब्रेक अवे फ्रॉम द बल्क कि जो पूरा बल्क था उसमें से सॉलिड की जो हमारा सॉल्यूट था उसके भी मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहे तो ये देखो ये टोटल वन टू थ्री फोर फाइव टोटल सिक्स थे तो उसमें से ये दो प्रॉपरली सेपरेट हुए हैं, ये दो एंड ये बाकी के चार अब क्या हुआ ये जो दो सेपरेट हुए कि द सॉलिड मॉलिक्यूल्स इज एंटर इन टू द हॉल ऑफ द कि यहां पे ये जो दो हॉल क्रिएट हुए, हुए वहां पे ये दोनों जो है वो अटैच हो जाएंगे तो ये देखो ये वाला एक यहाँ पे बैठ गया और नीचे वाला यहाँ पे सेट हो चुका है तो सॉल्वेंट ने क्या किया ये सॉल्यूट के लिए प्रॉपर स्पेस जनरेट की और वो स्पेस के अंदर अब जो है वो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल प्रॉपरली सेट हो जाते हैं तो ये है प्रोसेस ऑफ ए सॉल्युबलाइजेशन तो उसके अंदर कौन से और डिटेल मेकेनिजम इन्वॉल्व है तो सबसे पहले क्या होता है कि ब्रेक ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरमोलिकुलर बॉन्ड की ये है सॉल्यूट तो सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक होते हैं कि समझो कि मैं बोलूं कि सॉल्यूट को नाम देता हूं मैं ए और सॉल्वेंट को नाम देता हूं बी तो ए बॉन्ड ए है तो वो होके ए अलग हो जाएगा एंड दूसरा ए अलग हो जाएगा तो ब्रेकअप ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरमोलिकुलर बॉन्ड अब है ब्रेकअप ऑफ सॉल्वेंट सॉल्वर इंटर बॉन्ड कि सॉल्वेंट सॉल्वेंट को मैंने कहा है बी तो बी बॉन्ड बी था तो अब जो हो चुका है बी एंड बी फॉर्मेशन ऑफ कैविटी जिस तरह से ये जो जनरेट हुई उसको मैं कहूंगा कैविटी ये वाली एक और कैविटी जनरेट की फॉर्मेशन ऑफ ए कैिटी इन सॉल्वंट फेज लार्ज इनअप टू एकोमोडेट सॉलिड मोलिक्यूल की ये जो कैविटी के अंदर ये मॉलिक्यूल्स प्रॉपरली एकोमोडेट हो सके बैठ सके एंटर हो सके उतनी प्रॉपर जो है वो कैविटी तैयार की है एंड ट्रांसफर ऑफ सॉल्यूट इनटू कैविटी ऑफ द सॉल्वेंट फेस अब ये यहाँ पे ट्रांसफर हुआ और ये वाला यहां पे और अब क्या हुआ फॉर्मेशन ऑफ ए सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स कि ये ए अलग था बी अलग था वो अब बना रहे हैं ए बॉन्ड बी और ये बन गया हमारा सॉल्यूशन तो ये है सॉल्युबिलिटी की प्रॉपर मेकेनिज्म तो ये हमने सीखा सॉल्युबिलिटी उसका डेफिनेशन सॉल्यूशन क्या होता है सेचुरेटेड सॉल्यूशन सुपर सेचुरेशन उसके मेकेनिज्म उसके बाद जो समझना है इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशंस की जो सॉलिबलिटी को हम अलग अलग यूनिट्स के अंदर एक्सप्रेस करते हैं कि लाइक व्हाट इज़ मोलारिटी रिटी व्हाट इज़ नॉर्मालिटी व्हाट इज़ मोला मोल फ्रैक्शन फिर ये जो डिस्क्रिप्टिव टर्म्स होते हैं कि वेरी सोल्यूबल फ्रीली सॉल्यूबल सॉल्यूबल स्पेरिंगली सॉल्यूबल स्लाइटली वेरी स्लाइटली एंड प्रैक्टिकली इन तो ये सभी को हम डिस्कस करेंगे पार्ट टू लेक्चर में ऑफ दिस टॉपिक तो टिल देन व्हाट्सएप को ज़रूर से ज्वाइन करिए व्हाट्सएप ग्रुप के लिए नाइन फोर टू सिक्स वन एट जीरो थ्री सिक्स नंबर पर व्हाट्सएप करना है चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए एंड ऑल्सो यूज़ दया फार्मर ऑक्स एंड्रॉयड ऐप ऑन गूगल प्ले एज़ वेल एज एप्पल आईफोन ऐप ऑन ऐप स्टोर लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है कि जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज़ वीडियो लेक्चर प्रिंटेड मटेरियल सब कुछ इजीली मिल जाएगा to get this facility on this app farmerox android application on google play as well as apple iphone app on app store